पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। थैंक आमेन। यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते कि हम फिर से इस क्लास में जुड़े हैं साथ में। प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित हो हमारे क्लास में। ये जो क्लास है पवित्र आत्मा का क्लास है, हम विश्वास करते हैं, जानते हैं कि शायद हम कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ और सोच रहे, पर आपका कुछ और ही प्लानिंग्स है हमारे लिए। और ये क्लास के जरिए में आप संदीप ब्रदर के थ्रू हमसे आप बात करोगे, ये हम विश्वास करते हैं। प्रभु प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए, जो हर वीक इतना भी बिजी रहते, पर हमारे लिए, हम तक आपके हर एक वचन के रहस्य को पहुंचाने के लिए, आप जो हमें संदेश पहुंचाना चाहते हो उसके लिए संदीप ब्रदर समय निकाल के हमारे लिए समय देते हैं, सिर्फ आपके वचन के राज को फैलाने के लिए। प्रभु यीशु आपका वचन ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु अभी हमारे दिल में जो कुछ भी है प्रभु यीशु हम नहीं जानते। आज इस क्लास में भी मेरा यही पूछना है, पवित्र आत्मा हम सबसे बात कीजिए। हम सबके दिल हम टूटे हुए प्रभु, पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज इस क्लास के थ्रू आप बताइए हमें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर ये नेटवर्क कनेक्शन के लिए, जिनके द्वारा हम सब कहीं अलग अलग जगह में हैं, पर इस जूम के द्वारा हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो कुछ भी हम सीखेंगे वो बहुत ही आसान से, सहज सरल उद्धार के साथ, जैसे हर वक्त आप सिखाते हो वैसे हम सीखेंगे। जो भाई बहन अभी जुड़े हैं और बाद में भी जुड़ेंगे, उन सबके परिवार में, उन सबके हृदय में, जीवन में आपका वचन कार्य करेगा। ये क्लास जब भी सुनेंगे उनके जीवन में भी कुछ नया उनको स्पर्श करेगा, ये हमारी विश्वास है प्रभु यीशु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर की आवाज़ को, आने वाले हर एक समय को, इस क्लास को आप संपूर्ण कंट्रोल में ले लीजिए पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। पूरा कंट्रोल लीजिए हर एक बात पे, हर एक वचन जो हमें सीखने जा रहे हैं उस सब कुछ पे कंट्रोल लीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं जैसे आलम के लिए और पापा जॉनसन के लिए, जो आज हम हर एक संदीप ब्रदर के जैसे ऐसे बहुत सारे भाई बहन को तैयार कर रहे, ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप हमारे हमें जो अथॉरिटी दिए हो उसको हम जाने पहचाने, और हम ये जान गए कि हमारे जो भी है भविष्य वो हमारे हाथ में आपने दे दिया है, हमें सिर्फ उसे क्लेम करना है, लेना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सरेंडर करते हुए इस समय को, संदीप ब्रदर की आवाज़ को, इस नेटवर्क कनेक्शन को सरेंडर करते हुए पवित्र आत्मा की ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं। ये हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रेज़ गॉड। तो सिस्टर आप क्या पूछ रहे थे, सवाल आपका फिर से पूछोगे? हम हमारे जीवन में जो जो कुछ हम जानते हैं, हम विश्वास के साथ तो आगे बढ़ते, जैसे कोई भी आंखों देखी कोई भी जैसे समस्या जैसे आ जाता है, तो हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु ने जैसे सब कुछ करके दिया है, इसके लिए भी सब कुछ प्रॉमिस है। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी फिनेंशियल नीड्स हो या कुछ भी हो, उसके लिए प्रभु यीशु ने फिलिपिन्स 4:19 में हमें प्रॉमिस किया है। हमें ये भी हम जानते हैं कि हमें किसी से उधार नहीं लेना है, प्रभु यीशु ने कहा है, मतलब नहीं लेना है, वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम तो उनके वचन के अनुसार चल रहे हैं, उनके वचन के अनुसार कार्य कर रहे, पूरे 100% कुछ दे रहे, पर कहीं पे फिर भी क्या मैं गलत हूँ, ऐसे सवाल आते हैं। तो वो क्या पवित्र आत्मा की तरफ से पवित्र आत्मा बोल रहे कहीं पे मैं गलत हूँ, या ये शैतान का चाल है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो वचन से अलग जाके खुद के दिमाग लगाए ऐसा कुछ? कि कैसे पता चलेगा कि हमारे काम होते हुए भी नहीं हो रहे लास्ट मोमेंट तक जो हम देखते हैं, तो तभी हम थोड़ा घबरा तो जाते हैं। ये मैं कैसे पता चलेगा? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड।
सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है सिस्टर कि प्रभु जर्मया 29:11 बोलते हैं, जर्मया 29:11, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. पढ़ो इसको वचन को सिस्टर। मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजना को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। ये संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं। प्रेज गॉड। तो ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाओं को मैं जानता हूँ। एक और वर्जन देते हैं, फादर कामिल गुरके का वर्जन लेते हैं, उसमें और अच्छे से दिया हुआ है वो भी। प्रेज गॉड। तो जैसा अभी आपने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का हम हर एक पर मनुष्य के लिए एक निर्धारित योजना है और वो हमारे हित में है, मतलब हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। प्रेज गॉड। ये जो वर्जन अभी हम देख रहे हैं, मैं अभी डाल रहा हूँ स्क्रीन पर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फिर से मैं डालता हूँ, थैंक यू होली स्पिरिट, एक बार फिर से पढ़िए 29:11। थैंक यू जीसस। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं प्रभु कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने निर्धारित योजनाएं जानता हूँ। तो जो प्लानिंग परमेश्वर की है, जो योजना है, वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अभी हम हमारे आप से वो योजना बना रहे हैं। प्रेज गॉड। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लान है, हमारा जो इच्छा है, उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर मैं वचन के अनुसार तो परमेश्वर का एक अच्छा योजना है, निर्धारित योजना है, पहले से प्री प्लान्ड है, और उसको अगर हम हमारी योजना बनाते और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर इस पे शिक्का मार दो, इसको अप्रूव कर दो, उसके लिए हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उसके लिए सारे काम करते हैं, हम जो वचन बोला है वचन भी कन्फेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को मालूम है कि वो योजना को कैसे पूरा करना है और किस समय पर करना है। निर्धारित योजना है मतलब उसका कोई निर्धारित टाइम है, हमारे टाइम के अनुसार या हमारी योजना के अनुसार वो पूरा अगर हम करने जाएंगे तो उसमें जो परमेश्वर ने जो अच्छा बना रखा है शायद वो हम चूक जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो बहुत बार होता है कि होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं अपनी टेस्टिमनी के साथ इसको और अच्छे से समझाऊंगा सिस्टर आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 29:11 यहाँ पर लिखा है, प्रभु यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की हम सबके लिए एक अच्छी योजना है, निर्धारित योजना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, बहुत बार होता है कि हम हमारी परिस्थिति को देखकर विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि मेरी ये समस्या कब खत्म हो, जल्दी से खत्म हो, जल्दी से खत्म हो, इस बारे में चिंतित रहते हैं। और जब चिंता आती है तो चिंता किसको लेकर आती है साथ में? डर को, भय। चिंता एक दुष्ट आत्मा है, भय को लेके आती है, वो भले छोटा हो या बड़ा हो, वो है दुष्ट आत्मा। और परमेश्वर के साथ में
हमको उनकी योजना पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है, और पवित्र आत्मा हमारे पास है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते हैं और चिंता करने लगते हैं और हम हमारी इच्छा के अनुसार चाहते हैं कि हम उसे पूरा करें काम में, तो क्या होता है, हमें असफलता मिलती है और हमारी चिंता बढ़ जाती है। जब हम जो चाहते हैं, हमने योजना बनाए, वो काम होता नहीं है, तो क्या होता है, और मन विचलित होता है। बार बार शैतान दिमाग में विचार डालता है कि ये देख क्या हो, तू तो ये भी कर रहा है, कन्फेशन भी कर रहा है, तू तो प्रार्थना भी कर रहा है, तू तो ये भी कर रहा है, फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा है। और उसके बाद में हमको अलग अलग से टेम्पटेशन आता है, मतलब अलग अलग से विचार आता है, लेकिन वो विचार में क्वेश्चन हम सवाल खड़ा करते हैं, सवाल उठता है कि ये परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ साफ साफ बोलता है, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। अभी यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो परमेश्वर की आशामय भविष्य की योजनाएं हमें पता नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और हम देखते हैं इफिशियंस 1:3 में परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय सभी कुछ दिया हुआ है ना, हम लोग विश्वास करें, लेकिन वो आत्मिक है, आत्मिक फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। हमको वचन मालूम है, लेकिन हमको विड्रॉ करना ये भी पता है कि ठीक है, हमको परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जब हम हमारे कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार, उनका परमेश्वर का इच्छा क्या है, उनका पवित्र वचन, प्रभु ने कहा डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, वो लिखा है ना, हम फिलिपियन 4:19 में पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर महिमामय अपने स्वर्गीय धन खजाने के अनलिमिटेड धन के अनुसार के साथ आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ये प्रॉमिस है। और लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर मेरे से कुछ ये हुआ है, क्या हुआ है, अभी शैतान बोलता है कि क्या गलती किया तूने, क्या गलती किया। सबसे बड़ा गड़बड़ है कि मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि ये मेरे प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग को क्या हमने जाना है। प्रेज गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 वर्स में लिखा हुआ है, या 13 से हम पढ़ेंगे, ठीक है 12 से पूरा पढ़ते हैं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे, हाँ पढ़ो, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु की वाणी है। तो यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, तो हम समस्या के समय तो प्रभु को पुकारते हैं, हाँ बिल्कुल पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, इंटरसेड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया है हमारा। हमने डेनियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि डेनियल जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो पहली बार उसकी प्रार्थना का डिलीवरी तुरंत हो जाता है, उसको मैनिफेस्टेशन तुरंत हो जाता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो प्रार्थना करता है तो वो देखता है कि वो प्रेयर तो कर रहा है, लेकिन उस प्रेयर को कंप्लीट होने में 30 दिन लग जाते हैं, 29 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद में स्वर्गदूत मिखाया स्वर्गदूत आता है गैब्रियल, और उसको बोलता है डेनियल को कि ये आपका प्रार्थना तो पहले दिन ही पूरा हो गया था। फिर डेनियल सवाल करता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि पर इसको इतना टाइम क्यों लग गया, मतलब मेरा प्रार्थना अगर परमेश्वर ने पहले दिन सुन लिया तो मेरा प्रार्थना कंप्लीट होने में 30 दिन कैसे लग गया। तो बीच में स्वर्गदूत क्या बोलता है, मैं जब आपका प्रार्थना परमेश्वर का आपने सुन लिया, परमेश्वर ने मुझे उसे पूरा करने के लिए भेजा, तो बीच में इस संसार के नायक शैतान से मेरा युद्ध हुआ रास्ते में, और वो युद्ध में टाइम लग गया, स्ट्रेच हो गया, मतलब जो युद्ध है वो युद्ध में
वो समय लग गया और वो उसके साथ फाइट करते 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 30 दिन ऐसे निकल गया और वो उसके बाद लास्ट में जब पहुंचा तो इसमें डिले हो गया। तो ये जो डिले है यहाँ पर मैं वचन में लिखा हुआ है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुना है, हमारा प्रार्थना सुना है जब जब हम उनको पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो बीच में यहाँ पर शैतान जो इस योजना को पूरा नहीं करना चाहता है बीच में रुकावट बन के आता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो क्या डालता है मन में हमारे, वो चिंता डालता है कि देख हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने ये प्लान भी किया लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा है, और हमारे मन में नकारात्मक विचार डाल के चिंता उत्पन्न करता है और भय डालता है, डर को डालता है। जब ये डर आता है तब क्या होता है, तब हमारा जो डिसकनेक्शन है, जो परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है, जो ग्रेस हमको मिलना है वो टूट जाता है। तो हमारा फ्यूज, हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर से टूट गया, क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला चिंता मत करो, परमेश्वर ने बोला भयभीत मत करो। 100 बाइबल में 365 से ज्यादा बार बोला है परमेश्वर ने डरो मत, चिंता मत करो। लेकिन हमने क्या किया, चिंता किया और डर गए हमारी परिस्थिति को देखकर। तो हम आज्ञाकारी है या अवज्ञाकारी है, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं या उनकी आज्ञा को तोड़ रहे हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं ये हमको जानना है कि हम लोग अनजाने ही सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मैं उनके वचन के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो एक्शन है वो अलग है। मैं एक तरफ परमेश्वर ने बोला मुझ में विश्वास करो, प्रभु यीशु ने मार्कुस 11:22 में सबसे पहले कहा है परमेश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने एक तरफ प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगा, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन भी लिया, लेकिन जब उसको मैनिफेस्टेशन होने में जो स्ट्रगल चल रहा है, स्वर्गदूत जो आया है आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए, उसका जो लड़ाई हो रहा है शैतान के साथ में, तो हमको उसको सपोर्ट करना है। कैसे करना है, James 1:5 में हमने सीखा था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Jacob 1:5 हमने पिछली क्लास में सीखा था। Jacob 1:2 से ही बुक पढ़ेंगे हम। थैंक यू Jacob 1:2 यहाँ लिखा हुआ है, भाइयों जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। प्रेज गॉड। आप पढ़ो, आप पढ़ो सिस्टर, पूरा 2 से ही पढ़ो। भाइयों जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। Praise God. आगे धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनित्य बन जाए और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। Praise God. Thank you, Jesus. और इसमें यहाँ पर धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए। तो जो हमारा धैर्य है, धैर्य का जो परीक्षा ले रहा है शैतान, बीच में स्वर्गदूत जो हमारी प्रार्थना जो परमेश्वर ने सुन ली है उसे पूरा करने के लिए, स्वर्गदूत के साथ जो स्ट्रगल चल रहा है शैतान, उसके साथ में जो स्ट्रगल कर रहा है, वो हमें उस धैर्य को चुराने के लिए आया है। मतलब जो हमारा जो पेशेंस है, जो हमारा धैर्य है, उसको वो तोड़ने के लिए आया है। तो उस समय हमें क्या करना है, हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज करना है, लव, एंड्योरेंस एंड पेशेंस। मतलब हमें प्रेम में रहना है, प्रेम के साथ में चलना है, प्रेम का कनेक्शन बराबर बनाए रखना है। दूसरा हमें संयम रखना है, धैर्य रखना है, और हमें एंड्योरेंस मतलब होता है एंड्योरेंस, समझा ना सिस्टर? हाँ। तो उसमें हमें रहना है। प्रेज गॉड। तो इसे खोना नहीं है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए जिससे आप लोग स्वयं को पूर्ण कंप्लीट तथा अनित्य मतलब मैच्योर परिपक्व मैच्योर बन जाए।
और आप में किसी बात की कमी ना रहे। प्रेस गॉड। लेकिन उस समय फिर भी टेम्पटेशन आता है, शैतान हमको नकारात्मक बोलता है, तो उसके लिए पांचवें वर्ष में बोला है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। प्रेस गॉड। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदस्य है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। प्रेस गॉड। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा। तो शैतान क्या करता है, जब हम धैर्य हमारे धैर्य को चुराता है और हमें चिंता डालता है, और जब हम चिंतित हो जाते हैं तो क्या हमारा फोकस इस वचन की तरफ जाता है, हम वचन भूल जाते हैं। हम कन्फेशन एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो जब की है, जो लव एंड्योरेंस है, जो पेशेंस है हमारा, वो पेशेंस को चुरा लिया शैतान ने और चिंता डाल दिया, और उस समय हमें क्या होता है, संदेह होता है कि मेरी प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन हमने यहाँ पर वचन में सुना 29:11 में परमेश्वर ने क्या कहा है, स्वयं कहा है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं उसे सुनूंगा, लिखा है ना, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। तो यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है, हमें डाउट डाल रहा है, संदेह डाल रहा है, और संदेह डाल के क्या कर रहा है, हमारे हृदय को डाइवर्ट कर रहा है, हमारे हार्ट को, जो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा 100% फोकस उनके वचन पर रखे, उनके ऊपर रखे, उनकी योजना पर भरोसा करे, परमेश्वर पर भरोसा करे। लेकिन उस भरोसे को तोड़ने के लिए शैतान क्या कर रहा है, बीच में डाउट डाल रहा है, सवाल डाल रहा है, संदेह डाल रहा है। संदेह डाल रहा है मतलब हमको क्या कर रहा है, बीच में जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा, हमको संदेह देता है। लेकिन यहाँ पर वचन लिखा है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदस्य है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। प्रेस गॉड। ऐसा व्यक्ति ये न समझे कि उसे परमेश्वर से और से कुछ मिलेगा। तो ये शैतान को मालूम है, ही नोज कि उसको पता है कि अगर वो तुम में डाउट डालेगा तो तुमको परमेश्वर जो दे रहा है वो भी नहीं मिलेगा। प्रेस गॉड। जो स्वर्गदूत आया है, जो तुम्हारी डिलीवरी के लिए आया है, वो बीच में से ही हार के वापस जाएगा। प्रेस गॉड। इसीलिए ये हमारे मन के अंदर में शैतान संदेह उत्पन्न करता है, चिंता उत्पन्न करता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर के योजना जो है उसे पता है। हम यहाँ पर मैं वचन में अभी हमने पढ़ा कि हमारे लिए परमेश्वर की निर्धारित योजना अच्छी है, हमारे हित की है, अहित की नहीं है, आशा में भविष्य की योजना है, हमें दुख पहुंचाने की नहीं है। और आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य, आगे पढ़ो, ये पढ़ो पूरा वर्ष सिस्टर, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। अच्छा चलो 12 से पढ़ो, 12 से धीरे धीरे पढ़ो। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर देखो, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मतलब जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में चल रहा है, वो सब टर्न अराउंड, मतलब सब कुछ बदल जाएगा, पलट देगा उसको, आपके फेवर में हो जाएगा। प्रेज गॉड। ये वायदा है, ये जो है ये परमेश्वर का वायदा है, और परमेश्वर कभी वचनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा नहीं होता है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें शैतान ने हमसे रास्ते में चुरा लिया है। जैसे योहन 10:10 में लिखा है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। तो शैतान हमारे मन से, हमारे हृदय से ये वचन को चुराता है और हमें चिंता डालता है। प्रेस गॉड। और चिंता डालकर वो हमको डिस्ट्रैक्ट करता है।
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमको क्या करने के लिए कहा याकूब ने, हमने अभी पढ़ा, हमने पिछली क्लास में भी एक बात बोलनी थी कि जैसे आत्मा बात करते, वो जो वचन पढ़ रही थी एक बार खोलो 12 का, यही वाला। हाँ आप तो जानते हो, सब मैं बताया अपने, देखो आगे का वचन में इसके साथ जो है ना, मुझे इतना टच हो रहा है कि पवित्र आत्मा कैसे बात कर रहे हैं, जो मैं सिचुएशन लेके आपसे बात कर रही थी वो आगे का वचन में वही बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यही चीज है, ये जो हमारे एक्चुअली जब हमें चिंता आता है ना, तो ये सब चिंता के द्वारा शैतान हमारा चुरा लेता है, चोर आता है चुराने मारने और नष्ट करने। जो हमें हृदय में बीज बोया गया है वो अंकुरित हुआ है, वो पौधा बनने वाला है, लेकिन उसके बाल को तोड़ के चले जाता है शैतान चिंता डाल कर। इसीलिए जब भी चिंता आती है तो हमें चिंता को रिजेक्ट करना है और क्या करना है, प्रभु प्रभु का वचन कहता है कास्ट ऑल योर केयर्स अनटू मी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। परमेश्वर को आपके प्रभु यीशु जो हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठकर इंटरसीड कर रहे हैं, वो हमारे लिए चिंतित है कि हमारे लिए जो योजना है वो बस पूरा होने ही वाला है। बस हमको क्या करना है, हमको प्रेम में बनाए रखना है, एंड्योरेंस और पेशेंस रखना है, प्रेज गॉड। लेकिन जब हमारा धैर्य नहीं चुरा लिया शैतान ने, सबसे पहले क्या चुराता है, वो हमारा आनंद चुराता है। पवित्र आत्मा का फल है पहला प्रेम, आनंद, सहनशीलता, ये सब पवित्र आत्मा के फल है, मिलनसारी। प्रेज गॉड, गैलेशियंस मैं डालता हूँ, गलातियों अध्याय 5। तो ये सब फलों को चुराता है, तोड़ लेता है शैतान। आपके अंदर जो फल पवित्र आत्मा के लगे हुए हैं उसे शैतान तोड़ लेगा और उसके फलों को डालेगा और उसके उसके डाउट को डालेगा, क्योंकि शैतान को काम करना है तो उसको सिर्फ डाउट देना है और चिंता डाउट देना है। डाउट दिया तो वहां पर लिखा हुआ है डाउट करने वाला व्यक्ति ये ना समझे परमेश्वर से कुछ उसे मिलेगा। प्रेज गॉड, तो शैतान वही करेगा, आपको डाउट डालेगा कि देख तेरा इतना टाइम से चल रहा है और वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको 100% जो फोकस है वो परमेश्वर के वचन से हटकर परिस्थिति पर जाता है, और जब परिस्थिति पर जाता है तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। मैं कौन सा वचन, गलातियों, गलातियों के नाम संपोलस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22-23 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का फल है, पहला फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता। तो शैतान तो आया है प्रेम को चुराने, आपको चिंतित करेगा, आपके घर में किसी को खड़ा करेगा सामने और आपको अपमानित करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपका फ्यूज उड़ाएगा प्रेम का। दूसरा, चिंता डालेगा, आपका आनंद चुराएगा, शांति को भंग करेगा, आनंद गया, प्रेम और आनंद गया तो आप विचलित हो जाओगे। फिर सहनशीलता चले जाएगी, और जब सहनशीलता, ये चारों फल चले गए पवित्र आत्मा के, तो किसके फल आएंगे, शैतान के। तो शैतान अपना काम करेगा, इसका उल्टा डालेगा ना, प्रेम की जगह क्या करेगा, क्रोध डालेगा, गुस्सा डालेगा। आनंद की जगह पर क्या होगा, इसका उल्टा, आनंद का उल्टा क्या होता है, बेचैनी हो जाएगी, चिंतित हो जाओगे। शांति की जगह पर आप, आपकी शांति चले जाएगी तो आप क्या होगे, विचलित हो जाओगे। सहनशीलता चले गई तो क्या होगा, सहनशीलता जो आपका जो पेशेंस है, पेशेंस चले गया तो क्या होगा, आप इरिटेट हो जाओगे, है ना, वही सब हो रहा है ना। प्रेज गॉड, तो यही चीज है पवित्र आत्मा का फल। तो पवित्र आत्मा के फलों को बनाए रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना है। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको परमेश्वर के वचनों के साथ में एक परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना है। जो प्रभु यहाँ पर बोलता है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, उनके वचनों में, परमेश्वर की योजना को। परमेश्वर की योजना उनकी वाणी है, उनकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन है, और जब हम उन वचनों को ढूंढेंगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, लेकिन मैंने क्या किया, पार्ट माइंड दिया, मेरे दिन में से थोड़ा सा टाइम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने पर दिया, बाकी का जो 70% टाइम है मैं अपने समस्या के बारे में, अपने इसके बारे में चिंतित हो गया,
या उसके बारे में सोच लिया, तो मेरा जो फोकस है डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा फैमिली के लिए टाइम चले गया, थोड़ा फैमिली की तरफ फोकस चले गया, थोड़ा फोकस काम धंधे पे चले गया, थोड़ा फोकस हमारा बाकी की चीजों पर चले गया। तो यहाँ पर जो परमेश्वर बोलता है, यहाँ पर मैं पहला जो आज्ञा है मार्कुस अध्याय 12 में प्रभु यीशु ने सिखाया है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपने संपूर्ण हृदय, सारे हृदय, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। उसको प्यार करने का मतलब क्या है? यहाँ पर 12 में उत्तर है, यहाँ पर जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। प्रेज गॉड। तो जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं और उनके वचनों को सीखने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको दिन भर वचन को लेकर ही बैठना है, लेकिन जो वचन, एक वचन भी अगर हमने सीखा है तो उस प्रॉमिस को दिल के अंदर रखना है, और सामने भले कितना भी नकारात्मक परिस्थिति आ रहा है, नेगेटिव प्रॉमिस आ रहा है, हमको फाइनल अथॉरिटी जो है, फाइनल जो क्या बोलेंगे ये निर्णय जो है, अंतिम निर्णय प्रभु के वचन को मानना है। भले ही हमारा समस्या कितना भी विचलित है, लेकिन वो टेम्पररी है, ये संसार में जो कुछ भी समस्या है सब टेम्पररी है, लेकिन इटर्नल जो है वो प्रभु का वचन है, जो कभी नहीं ये होता है नष्ट होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर 14 में लिखा हुआ है, 13-14 में, यहाँ से पढ़ो, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट पढ़ो आगे। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हें उन सब राष्ट्र और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहां फिर एकत्रित करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। थैंक यू जीसस। तो जो कुछ भी शैतान ने चुराया है, अगर ये जो टेस्ट है, ये जो हमारा टेस्ट है, जो जैसे डेनियल का अभी हमने ग्रंथ में पढ़ा, एग्जांपल लिया कि डेनियल के जीवन में जब वो टेस्ट मतलब प्रार्थना किया और उसका विल जो है पहली बार तो फटाफट पूरा हो गया, लेकिन दूसरी बार उसको टाइम लग गया। तो दूसरी बार जब उसके पेशेंस का जो टेस्ट हो रहा है, जो शैतान उसके मतलब ऐसी शैतान हमारे जीवन में भी करता है, हमारे जो पेशेंस है उसका टेस्ट लेता है, और हम कितने मतलब जब हमारा प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है या जब हमको टाइम लग रहा है, तो उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्स रहता है, हमारे पेशेंस का क्या टेस्ट रहता है। तो वो टेस्ट को जब हम पास कर लेते हैं, तो ये परमेश्वर ने वायदा किया है कि जो कुछ भी शैतान ने हमारे जीवन से चुराया है, ये यहाँ पर मेरे परमेश्वर ने लिखा है, ये उन उस समय ये उन वचन उन यहूदी लोगों के लिए था जो अब्राहम की संतानों के लिए था, और हम भी अब्राहम की संतान है, हम भी जो परमेश्वर की वचन की अज्ञानता में भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, जो होशिया 4:6 में लिखा हुआ है, वचन की अज्ञानता में मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। था मतलब पास टेंस पे, पहले जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तब हमें ये शैतान ने चुरा लिया है, लेकिन जो कुछ भी शैतान ने हमसे चुराया है वही प्रभु का वचन कहता है, प्रोवर्ब्स 6:31। ये जो हमारे पेशेंस का टेस्ट है, इस टेस्ट को अगर हमने पास कर लिया तो प्रभु का वचन कहता है, पढ़ो यहाँ से, यदि कोई चोर कभी भूखो मरता हो, यदि ये भूख को मिटाने के लिए चोरी करे तो लोग उससे घृणा नहीं करेंगे, फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है। चाहे पढ़ो, हाँ ओके ओके, एक मिनट फिर यहाँ से पढ़ो। यहाँ पर मैं जो चोर है, ये चोर कौन है? ये शैतान है। शैतान है। हाँ, और यहाँ से पढ़ो, फिर भी यदि वह
पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है, चाहे उससे उसके घर का समूचा धन चुक जाए। चुका देना चाहे प्रेस कॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट इफ ही बी फाउंड ही शेल रिस्टोर 7-fold, ही शेल गिव ऑल द सब्सटेंस ऑफ हिज हाउस, प्रेस कॉर्ड। तो जितना उसने आपके जीवन से चुराया है, आपका जो आपका जीवन में जो शांति चुराया है, जो कुछ भी चोरी किया है, उसका 7 गुना उसको लौटाना पड़ेगा जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हो। ये धैर्य का टेस्ट जो है, यहाँ पर मैं जो याकूब बोलता है ना, याकूब के पत्र में अभी अभी हमने पढ़ा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। भाइयों, जब आप लोग अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। क्यों धन्य समझिए? क्योंकि जब ये टेस्ट मैंने पास कर लिया, जब ये टेस्ट आपने पास कर लिया, तो वो टेस्ट पास करने पर शैतान को पे करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, कितना करना पड़ेगा? 7-fold, 7 गुना उसको लौटाना पड़ेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और उसको चुकाने के लिए उसको और भी इवन यहाँ पर लिखा हुआ है, ही शेल गिव ऑल द सब्सटेंस ऑफ हिज हाउस, प्रेज गॉड, उसे उसका घर का समूचा बेच के चुकाना पड़ेगा। समूचा जो कुछ भी उसने चुराया है उसका 7 गुना चुकाना पड़ेगा, प्रेज गॉड। तो ये जो पेशेंस का टेस्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। इसकी जगह पर प्रभु का वचन करता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई शेल रिजॉइस, फिलिपियंस 4:13। फिलिपियंस 4:19 को पाने के लिए फिलिपियंस 4:13 को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। फिलिपियंस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। नहीं, 13 है, 4:4 है आई थिंक, या जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। प्रभु जो जीसस है, प्रभु यीशु जो मुझे बल देता है, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। और बल कहाँ से मिलता है? प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। कौन सा वचन है? प्रेज गॉड, कम ऑन सिस्टर, आपको पता है ये वचन? शुरुआत में पहली बार जब आप गए थे तो ये वचन तब मिला था आपको। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, प्रेज गॉड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रेज गॉड। और फिलिपियन 4:4 क्या बोलता है? प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इसे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। इंग्लिश में है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, प्रेज गॉड। बिकॉज क्यों रिजॉइस करने के लिए बोला है? क्योंकि वो जो लिखा है वो आपके जीवन में पूरा होने ही वाला है, और इसीलिए ये शैतान आपको इतना टफ दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है, इतना कठिन बता रहा है कि ये जो पेपर आया है बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे। प्रेज गॉड, होता है ना टेस्ट के समय में ये बस अभी इतना और कितना इंतजार करोगे, और कितना ये करोगे, ऐसे झूठे झूठे डाउट डालता है, संदेह डालता है और चिंता डालता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो इसीलिए हमें प्रभु का वचन कहता है, हमें अपने आनंद को चुराने नहीं देना है। Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Praise God. Thank you, Holy Spirit. And जो आपको अपना बल जो है प्रभु का, Philippians 4:13 में जैसे पढ़ा कि प्रभु यीशु जो हमें बल प्रदान करता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Nehemiah 10:3 है ना? Joy of the Lord is my strength. Nehemiah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. 8:10 है, 8:10, नेहमिया 8:10। हमने सीखा था, इसके पीछे ऊपर क्लास भी हुआ था, नेहमिया 8:10 में लिखा हुआ है। Praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. मैं इधर डालता हूँ। Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. नेहमिया 8:10.
तो हमें बल चाहिए, मतलब किसी भी काम को करने के लिए शक्ति चाहिए ना, और शक्ति देने के लिए स्रोत क्या है? स्रोत है प्रभु यीशु, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु का वचन ही प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, वर्ड बिकेम फ्लेश। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो नेहमिया 8:10 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु का आनंद ही तुम्हारा बल है। नेहमिया 8:10। तो जब जब हम कन्फेस करते हैं कि प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, तो वो जो शैतान का झूठ है उसका पर्दाफाश होता है और हमें शक्ति मिलती है हमारे टेस्ट को, टेस्ट की परिस्थिति में देने के लिए, मतलब गुजरने के लिए, जो परिस्थिति हमारी चल रही है उसको पास करने के लिए। और उस जब हमें बल मिलता है तो हमें वो बल को और लेना है। क्या लिखा हुआ है? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉयस। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इसे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो टेस्ट के समय क्या करना है हमें? चिंतित करना है या आनंद मनाना है? आनंद मनाना है, चिंता तो हमें शैतान क्या बोलता है? करो। चिंता करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो अभी किसको किसको हमको अथॉरिटी देना है? फाइनल वचन के ऊपर। वचन को देना है। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भाइयों जब आप लोग को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करने पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है, और धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा परिपक्व बन जाए। अनिद्य मतलब परिपक्व, मैच्योर बन जाए, और आप में किसी बात की कमी ना रहे। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो परमेश्वर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हमको कंप्लीट देना चाहता है। जो योजना है 29:11 में हमने पढ़ा, नहेमिया 29:11 में, कि परमेश्वर का जो योजना है हमें 100% देने का है, पार्ट में नहीं देने का है, और बेस्ट देने का है, बेस्ट। इसको मैं छोटा सा मेरे टेस्टिमनी के साथ क्लोज करता हूँ। जब मैंने कहा था कि मेरा लॉकडाउन के समय, मैंने अपनी टेस्टिमनी में बताया था कि लॉकडाउन के समय जब मेरा जॉब का इशू आया था, कि अचानक से मेरे बॉस ने बोला कि अभी प्रोजेक्ट नहीं है, काम नहीं है, अपने को लोगों को कम करना पड़ेगा, सैलरी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उस समय मेरा भी टेम्पटेशन हुआ। उस समय शैतान ने तुरंत मेरे दिमाग में डाला, अरे इजी ऑप्शन है, जॉब चेंज करते हैं। तो उस समय मैंने फोन करके मेरे एक दोस्त को बोला कि मेरे को जॉब चाहिए। उसने बोला ओके, मैं बात करता हूँ। उसने उसके दोस्त से बात किया जो अलग एक एमएनसी कंपनी का, जर्मन कंपनी का MD था, उससे बात किया। उसने मेरा इंटरव्यू, उसने मेरे प्रेस कॉट, उसने मेरा इंटरव्यू इमिजिएटली फिक्स किया, और इंटरव्यू देने में गया। तो इंटरव्यू देने के समय, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस लॉकडाउन में बढ़ा के सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन जितना सैलरी है उतना तुमको देंगे, और उसपे तुमको एज ए कॉन्ट्रैक्ट हमको 1 साल सर्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास इजी ऑप्शन था, जर्मन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, मतलब PF बच जाएगा, PF नहीं कटेगा, PF का पैसा पॉकेट में आएगा। प्रेज गॉड, टेम्पटेशन। तो मैंने उस समय सोचा, शैतान मेरे मन में ये डाल रहा था कि अरे तेरे को PF नहीं भरना है, तो ये तो पैसा तेरा सीधे बचेगा, तेरा वही इंक्रीमेंट है, वही तेरे को बढ़ के मिल रहा है, तो राइज मिल रहा है सैलरी में। प्रेज गॉड। और उस समय मेरे पास इजी ऑप्शन था, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां पर वचन बताया, मार्कुस अध्याय 12:29-30 में लिखा हुआ है, 29:30 आगे में लिखा हुआ है कि पहला आज्ञा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। ये पहला और सबसे बड़ा आज्ञा है। और दूसरा बड़ा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज गॉड। और उस समय जब मैंने बोला प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु ने मुझे, पवित्र आत्मा ने सिखाना चालू किया कि तेरा पड़ोसी तेरे कलीग है, जो काम करता है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, जिस कंपनी का ब्रांच ऑफिस में हेड करता हूँ, लीड करता हूँ, वो कंपनी में अगर मैं ऐसी परिस्थिति में छोड़ के जाता हूँ, तो मेरे पीछे काम करने वाली 5 फैमिली, 5 लोगों की फैमिली सीधे जॉबलेस हो जाएगी, और उनका फैमिली इनकम बंद हो जाएगा। प्रेज गॉड। और इसको प्रभु ने मुझे सिखाया। और उस समय जब मैंने डिसाइड किया कि ओके, अभी प्रभु का वचन बोलता है कि मुझे अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है, तो अभी तो मैं, अगर मैं जॉब चेंज करता हूँ, तो मैं तो सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि
कि डाई टू सेल्फ, मतलब जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो मेरा क्रूस क्या है? जो परसिक्यूशन आया है, कि मेरा बॉस बोल रहा है सैलरी कम करेंगे, लॉकडाउन का टाइम है, ये है, जो इश्यूज है, वो इश्यू आया है, एक टेस्ट आया है, उस टेस्ट को मुझे पास करना है। लेकिन जिस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं, अब मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, भले चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे, और हमने जब ढूंढना चालू किया तो उसी को ही जब परमेश्वर ने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब तुम मुझे, उस समय मैं क्या कर रहा था, 3 महीने तक बाइबल स्टडी कर रहा था, बाइबल के वचन सीख रहा था, मार्क 11:20 मतलब विश्वास का नियम सीखा था, उसको अप्लाई किया और उस पर टिक गया। तो यहाँ पर मैं, परमेश्वर ने लिखा वचन में कहा है 14 वचन में, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रेज गॉड। और यही हुआ, जो कंपनी बंद होने वाली थी, ताला लगने वाला था, सैलरी कम करने की बात कर रही थी, उसी कंपनी को ऐसे सूखे के समय, लॉकडाउन के समय, जब जिस समय कंपनियों के पास काम नहीं है, प्रोजेक्ट मिलता है, और ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है, एक के बाद ऑर्डर आता है, और एक फाइन ऑर्डर आता है, ऐसा मिलता है कि जिसमें उनको सैलरी भी पे नहीं करना है, एडवांस में क्लाइंट सैलरी दे रहा है। प्रेज गॉड, हमको जितना सैलरी चाहिए उतना सैलरी हमको एडवांस पैसा मिल रहा है। वो हम लोग कॉन्ट्रेक्टर है, और कभी कभी नहीं सुना है कि कोई कॉन्ट्रेक्टर को एडवांस में पैसा मिलता है, और वो भी उतना सेम अमाउंट जो हमारी सैलरी के लिए चाहिए। प्रेज गॉड। सो ये सुपर नेचुरल प्रोविजन है लॉर्ड का, कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा किया। प्रेज गॉड। सो ये मेरा एक टेस्टिमनी है जिसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो अभी बताया, क्योंकि जिस समय हम टेस्ट को पास करते हैं तो उसमें, जैसे अभी प्रभु ने वचन में कहा है कि यहाँ पर मैं प्रोवर्ब्स में अभी हमने पढ़ा कि शैतान को टेस्ट कर पास कर, जब हम टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसको 7 times रीपे करना पड़ता है। तो उस समय क्या हुआ, लॉकडाउन के समय हमारा 3 इंक्रीमेंट हुआ। वही कंपनी जो बंद करने का बात कर रहा था, सैलरी कम करने का बात कर रहा था, वो हमको 2 इंक्रीमेंट दिया, सैलरी राइज करके दिया, और हमको प्रोजेक्ट एक के बाद इतना काम मिला कि वो कंपनी का टर्नओवर भी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हुआ। जितना 14 में टर्नओवर नहीं हुआ उतना लॉकडाउन के समय उसका टर्नओवर बढ़ गया, सडनली राइज हुआ डबल। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये मेरा एक छोटा सा टेस्टिमनी है कि किस तरह से जब हम प्रभु के वचन के ऊपर फाइनल अथॉरिटी देते हैं और उसे 100 मानते हैं, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो सिस्टर पूजा, आपको आंसर मिला? यस, बहुत अच्छे से, और वचन भी एक एक ऐसे निकला, बहुत मतलब फटाक से ना, मैं तो आनंदित रहती हूँ हर वक्त प्रभु में, पर अभी ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही, मतलब एक जैसे फिर भी एक कंफर्मेशन हो गया। थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, चलो क्लोजिंग प्रेयर कर दो। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम जितना भी आपको धन्यवाद दें उतना भी कम है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज जो इस क्लास में, क्लास के शुरू में, या जो सवाल मेरे अंदर था कुछ दिनों से, वो आपने इतने अच्छे से संदीप ब्रदर के थ्रू, आपके वचन के द्वारा हमें समझाए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जैसे संदीप ब्रदर जब भी वचन पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी प्रभु, तभी ऐसा लग रहा था आप बात कर रहे हो, और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि जो भी भाई बहन सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, उन सभी को उनके अलग अलग उनके हृदय से आप बात किए हो। थैंक यू होली स्पिरिट। हम सीख गए पवित्र आत्मा, अभी से आगे से कभी भी हम उस जगह, शैतान को उस जगह नहीं देंगे, क्योंकि हम प्यार से संभाल के रखेंगे जो आत्मा का फल आपने हमें दिया है, क्योंकि हम वचन से जानते हैं कि आपने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। हम, आप हमें जो आत्मा दिया है आनंद, प्रेम, ये सब फल को हम संभाल के रखेंगे, यहाँ पे शैतान का कोई एंट्री नहीं है। और हम जानते प्रभु कि जब हर एक वचन के पीछे आपने कहा है कि ये प्रभु की वाणी है, ये कोई मनुष्य के नहीं, ये आपकी वाणी है,
और आपका प्रॉमिस है जो कभी भी चेंज नहीं होता है प्रभु, आदि से अंत तक ये सदा सेम रहते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू सो मच। आज जो इतने अच्छे से आपने समझाया हमें कि हमें हर एक सिचुएशन पे कैसे रहना है, कैसे धैर्य पे रहना है और उसका फल क्या होता है, सब कुछ आपने बताया प्रभु यीशु। प्रभु हम ऐसे ही रह पाए और ऐसे ही चले प्रभु, पवित्र आत्मा वैसे में गाइड कीजिए, क्योंकि वचन ये भी कहता है जब तुम क्या करो क्या नहीं करो इसमें जब कंफ्यूज रहे तो परमेश्वर से मांगो। जेम्स 1:5 कहता है जब तुम्हें बुद्धि का अभाव हो, प्रभु यीशु हमें वो ज्ञान बुद्धि दीजिए, हमें ऐसे ही वचनों में सिखाइए। प्रभु आपने कहा है जब हम आपको ढूंढेंगे हम आपको पा जाएंगे। प्रभु हम आपको हर दिन वचन में ढूंढते प्रभु यीशु, हमें कुछ नहीं, हम आपको वचन चाहिए, हम आपके वचन के ऊपर ही डिपेंड करके जी रहे प्रभु यीशु। आज की इतना सुंदर क्लास के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद करते, और संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए भी, और संदीप ब्रदर के लाइफ में भी आपने हमें ये एग्जाम्पल से भी समझाया फिर भी कि वचन में कितना पावर है। जो वचन क्लेम किया संदीप ब्रदर ने और उनके लाइफ में चेंज हुआ, और आपके वचन के जैसे उनके जीवन में ही कार्य हुआ, पूरा पलट दिया आपने, पूरा जिंदगी उनका लाइफ जो है पूरा चेंज कर दिया सुपरनेचुरल वे से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और ये मैं भी क्लेम करती हूँ प्रभु यीशु, जो वचन है उस वचन के ऊपर हर एक परिस्थिति को मैं ऑथोरिटी देती हूँ, और मैं भी क्लेम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सुपरनेचुरल वे से आपने भी हमारे जीवन को पलट दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन 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 आमेन।